बहुत बढ़िया कमांड करता है, सारा विषय को फोकस कर लेता है। खेल विधि में
खेल विधि के द्वारा बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। और खेल विधि में क्या है, खेल विधि से बहुत ज़्यादा गेन करता है। हम और एक बार काशेश्वर थे, वहाँ पर हम लोग दोनों वहाँ पर गए, वही दोनों हम लोग पोयम बोलना पड़ते, हमको पोयम बोलना पड़ा वहाँ पर, तो बच्चे को हमारे खुश हुए। पोयम क्या, पोयम सुना सकते हैं सर? पोयम पोयम था, 6 साल की छोकरी घर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती, दाम है दाम अपना पूछना है आम चूसता, बच्चे लोग को भी खुश हो गए। तो ऐसा हमने कविता बोली कि बच्चे लोग जो है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो अभी आप कविता बोले, भाषाविद लोग छोकरी शब्द पर ऑब्जेक्शन, एमपी के पाठ्यक्रम में इसको डाला गया था, ठीक है, और इसके चलते भाषाविद लोग जितने भी थे ऑब्जेक्शन उतना है कि छोकरी असंसदीय भाषा है, क्योंकि आपके नज़र में छोकरी संसदीय भाषा है या असंसदीय? जैसे देखिए मैंने ऑलरेडी कविता में इसमें था लिखा हुआ, उसी को हम बोलिए लिखा हुआ नहीं है, जैसे दिवंगत दिवंगत रसकार बोला गया है, उसमें भी है कोई लेखक रसकार भी कोई राइटर है, तो हम उसको देने का जो कविता उसी को हम शामिल। ये नहीं पूछना आपको, पूछना आपको क्या लगता है ये आपके अनुसार से भाषा सही है या गलत है? भाषा सही नहीं है, हमें बच्चे को प्रलोभन के लिए खुश रखने के लिए बहुत सारा जो है ये हमारा राइटर जो है वह बनाता इस तरह के बच्चे हमारे में बहुत ज्यादा एक्टिव। कौन है इसका? जी सर कवि, कवि माथुरनाथ चौरसिया। उसके बाद हम बोलेंगे कस्तूरी नदी की अध्यक्षता में हमारा सबसे बड़े आए हम लोग कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन जो होता है और शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया, और उसमें बोला था कि हर मैंने जो है 10+2+3 में वो क्या होता है ग्रेजुएट हो जाता है, और ग्रेजुएट होने का भी डिग्री टाइप का उसका BSc हुआ, MSc हुआ, BA हुआ, MA हुआ, इसके कारण के बाद में क्या हुआ कि 1968 में फर्स्ट बार में 1986 में उसके बाद आपका जो है एडीपी जो है अभी 2020 में इसको अभी चल रहा है, इसमें भी अमेंडमेंट बहुत 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 सारे कुछ कमियां हैं, बहुत बहुत अच्छाई भी मेरिट भी है और डी मेरिट भी है, बच्चे इसमें करेंगे, मगर इतना अभी इसको मैंने लेंदे चार के रख रहा है कि इसमें भी अमेंडमेंट होगा। जैसे आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान 1950 में आपका 26 जनवरी 1950 में ऑलरेडी डॉट कमेटी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑलरेडी कम्प्लीट की है उसमें, किंतु उसमें भी बहुत सारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद उसको भी उसको संशोधन करना पड़ा, क्योंकि वैसा होता नहीं था, वैसा उस रूल रेगुलेशन को फॉलो सब कर पाते नहीं थे। इसमें लिखा 6 to 14 years बच्चे बोले आर ई टी बोले राइट टू एजुकेशन के द्वारा वह बच्चा फ्री पढ़ेगा, यदि कोई बच्चा होटल में यदि काम कर रहा है तो SBDC और आपका दरोगा भी जानता है कि 6 साल का बच्चा यदि और 10 साल का बच्चा होटल में कोई बड़ा आदमी काम करवा रहा है तो उसको डी सी उठा के नहीं जो है वो अभी 3 साल से लेकर 18 साल तक लेकिन जो 4 साल जो बच रहा है उसके पास तो क्या उसके लिए वो पैसा पे करेगा? जो अगर वो पे नहीं कर रहा तो क्या वहाँ पे कुछ संशोधन ही होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका रूल रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो चल रहा है चला रही है, अब हम लोग ये करे लेने से नहीं होगा, संविधान में बहुत सारा लोग देखे आते हैं उसमें सदस्य बने थे। तो देखिए इसमें क्या है पॉलिसी कमीशन में आपको 5 क्लास वाला 5 तक बोले, इसके बाद इन्हें जो है इसको हम लोग एक फाउंडेशन एज बोला जाता है। फाउंडेशन एज में क्या है सिक्योरिटी लेकर इसमें कोई दाम नहीं है, क्योंकि इसका जिसका जन्म हो चुके अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना लगा हुआ इतना लगा, यदि पीछे और बैठे थे इनका मिलेगा तो बैंकिंग हम लोग यहाँ पर, इसलिए बुनियादी शिक्षा का ज़्यादा फोकस महात्मा गांधी ने किया।
महात्मा गांधी दिए थे कि बुनियादी शिक्षा जो स्कूल का रहेगा वह स्कूल भी आगे रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि जो अभी हम लोग शिक्षा में जो अभी हमारा पुराना 1986 में जो चल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी शिक्षा उसमें शिक्षा ही अभी स्कूल जो संशोधन करके आया गया है कि नहीं अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा पर उसमें रोक लगाया कि इसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं जिक्र किया नहीं, तो क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। अब टेट पढ़ते सी टेट पढ़ते जे टेट पढ़ते हम एक पेपर रास्ता है उसमें खोलता है, अब होता हम शुद्ध रूप से नहीं खोल पाते हैं, आज उसका हम खोल रहे हैं सीटेट में खटा भी रहता है बोलते हैं उसको नहीं सीटेट में खटा भी रहता है सीटेट में सीटेट से सीटेट पर एक सिंगल हो जाता है जो हम सुना सीटेट ठीक है। इसके बाद है मानव को है मनुष्य जब से आनंद से लेकर कब्र तक वह ज्ञान हासिल पालन का मतलब क्या तो बताएं पालन से क्या मतलब बताइए क्या बताइए सर जी ठीक है और पालन से पालन होता है बच्चा हम लोग जो उसको रखते हैं जो बच्चा खेलता है उसको हम लोग समझते हैं पालन से लेकर कब्रता का ज्ञान होता है सर पालना ये सर पालन से लेकर क्या अगर पालने से लेकर आप कब्र तक हम लोग ज्ञान हासिल ठीक है। अब इसमें क्या है ये बताना है कि कंडीशन ये फिर बुनियादी में इसमें ज्ञान नहीं होता कोई तरह का एग्जाम नहीं है बच्चे क्या एक्टिविटी देखा जाता है क्या नहीं है। और एक चीज़ आप बता रहे हैं शिक्षक सबसे पहले एक मेन फोकस होता है बी एड जितने भी किए हुए या जो बी एड कर रहे हैं मेन शिक्षा होता है मेन फोकस होता है चाइल्ड से बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे जो कहेंगे वही आपको क्लास में यदि बोलेंगे नहीं ये हम चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर तो उसे चैप्टर नहीं बच्चे जो कहेंगे तो उसको फॉलोअप करना वही आपको मानना पड़ेगा सभी के घर में आपका रहेगा हारमोनियम हर एक घर में रहेगा और बच्चे को उसका जो है वो सीखा जाएगा आपका महात्मा गांधी का हम एक बार गए थे सर छोड़े भी बोले बोले चाहिए आप ये भी काम देख रहे थे क्लास में बच्चे मिशी का हम इतना हमको सुकून लगा इतना हमको अच्छा लगा कि देखिए अभी भी गांधी जी चले गए अभी गांधी पार्टी नहीं गांधी पार्टी को सभी फॉलोवर गांधी अभी हम लोग आप लोग के पास पैसा होता है बच्चा का काम देते थे कोटा नहीं मिले गांधी की जो पढ़ाई फिर भी अभी जाता हूँ कोटा में कोटा से गांधी नाम कोटा पढ़ाई कोटा पेंटिंग सिखाया जाता है आप धर्मदाबा में सर दुरिया में धोती जो गाड़ी जो पढ़ाई करने के लिए सर धोती पहनते तो जो भी कपड़ा यूज करते थे वो अपने बुनाई का कपड़ा यूज करते थे विदेशी कपड़ा यूज करने वाले मूवमेंट के बाद ऐसा हुआ था अंग्रेजों के बाद नहीं महात्मा गांधी लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किए आपको धर्मशाला में विक्टोरिया में जहाँ भी बैठे रहेंगे पेंटिंग वाला या कलाकार का आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से आपका स्ट्रक्चर सीधे वो पेज के पेंसिल से बना के रख देगा देखिए यही इंसान बैठा हुआ और मेरा आपने के तो मेरे देखे क्यों ना बात बेची नहीं हमें चार मिनट देखिए
चार मिनट में उसका सेम टू फेस बना देने वाला इंसान को मान लीजिए देख ली बंगला में अब बंगला में ज्यादा चलिए इसके बाद है अब अस्कर कुछ कुछ लैंग्वेज पर प्रॉब्लम होता है अभी लैंग्वेज जो इसमें बोली क्षेत्रीय भाषा पर कमान उतना नहीं है मगर फिर भी इसमें अमेंडमेंट होगा। मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास स्टेट जो होता है स्टेट होता है इसमें कंप्यूटर बोर्ड या प्रोफेशनल टेक्निकल मैथ साइंस आर्ट्स आप क्या है कि यदि आप सपोज यदि आप कहीं आई एस सी करके आईकॉम किए हैं और आइए किए तो आपको भी सारा सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड है साइंस भी है आर्ट्स भी है कॉमर्स भी है और बैंकिंग मैनेजर भी बन सकते हैं अकाउंटेंट भी कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सीनियर ब्रांच के मैनेजर बन सकते हैं इसमें कोई तरह का इंक्लूड नहीं है। ये ऐसा है कि आपको बी एड भी करवा देगा अभी बी एड करने की बहुत हम सोचते बी एड करेंगे अरे इसी में सारा चीज़ मिल जाएगा आपको और ये एजुकेशन जब प्राप्त करिएगा तो कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं है कोई भी उसका मैंने कहा सही सही जगह जगह पर सेटल हो जाए तो उसके अंदर क्वालिटी क्षमता होनी चाहिए आपसे की महात्मा गांधी सोच रहे थे कभी अंदर नाम मिला के पढ़ेंगे महात्मा गांधी कभी नहीं सोचे थे कि हम लंदन में जाके पढ़ाई करेंगे मगर कमेंट भी कर थर्ड डिविजन मगर बोले बेटा तुम्हारा थर्ड डिविजन दिया था डिप्रेशन में जिस दिन कॉलेज में टॉपर बनोगे उस दिन चार नंबर गेट पे तुम्हारा कोई मिला देखने वाला देखेगा कि महात्मा गांधी का 2050 जज्बा था जब जिसको कुछ तैयार करना है करना है अपने बाप बच्चा होते बहुत सारे बेटे हैं लेकिन बेटे का काम भी नहीं है कोई है कोई है फैक्ट्री नहीं अगर अभी कोई नेता जो होता है सबसे पहले फैक्ट्री बनाता है कारखाना बनाता है अगर काम नहीं देख सकती है जिसको आजाद करने के बाद में बहुत ज़्यादा क्षमता होने लगता है गोखले भरत सर पूछे किसके समय में आया जैसे आप समझिए कि आप आ रहे हैं
मिल की स्थापना क्या हुआ है वाला खाड़ी दार्शनिक की समय बताइए सर 1872 लोड में काले के समय हुआ 1872 नौ शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा कर लाने का यही था कि हमारे से अंग्रेजी अंग्रेज यहाँ पर शासन करते हम लोग यहाँ पर सब मजरा बोलना थे कोई कुछ जानता होता नहीं था सब हम लोग को क्या बनाया था लेबर क्लास में रखा और अंग्रेज लोग ऑफिसर बनते थे गवर्नर बनते थे पदाधिकारी बनते थे तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि यदि हम लोग शिक्षा से विमुक्त रखा गया है हटा दिया गया है तो हटा गया क्यों नहीं इसे हम लोग शिक्षा से लाभान्वित लेने के लिए ये लाड मैकाले ने अब ये शिक्षा यहाँ पर अंग्रेजी सूचे लाड मैकाले अंग्रेजी को लागू करने के का उसका उद्देश्य क्या था देश को आगे बढ़ाना था इंडिया को थोड़ा जागरूक करना था उसका उद्देश्य था कि चतुर्थ तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भारतीय बने और आर्थिक रूप से गुलाम रहे वो भारत में कलंक पैदा करना चाहता था भारत इसके बारे में जीडीपी के बारे में शिक्षा के बारे में बोलता है शिक्षा जो है इसी शिक्षा के बारे में आप गीता में बोला गया है भागवत गीता गीता में बोला गया है कि सांप विद्या विमुख अकेडमिक स्तर आपका जो प्रीवियस वाला या बीटी वाला नहीं या बी वाला जो है और बी एकेडमी वाला जो बना था फाउंडेशन बता दिए तो आगे बताइए मिडिल स्कूल में क्या था मिडिल क्लास में मिडिल स्कूल में सबसे पहले वहाँ पर आगे बताए हमने शिक्षा का वहाँ पर वंचित थे लोग बच्चे लोगों को अंग्रेजी शिक्षा भी नहीं आते थे उसके बाद वहाँ पर क्या उसमें एग्जाम शुरू हुआ और उसमें कुछ टाइम में धीरे धीरे एग्जाम लेना शुरू हुआ और एग्जाम लेने के बाद पता चलता है कि किसकी कौन स्टूडेंट का वजन क्या परीक्षा जैसे एज ए बैलेंस करा जो उसको फॉलो है पहले लोग एग्जाम दे लो बच्चे को एक्टिविटी तो आ गया तो उसके बाद देखिए प्रेस में देखिए प्रेस में कॉपी एंड क्रीडिया सीटिया मैडम समरी पूरी एजुकेशन पॉलिसी का लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी है वो लगभग 300 पेज की होगी
लेकिन इस 66 पेज में भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और उसी के बेसिस पर हम इस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 6 हिस्सों में, क्योंकि ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर बदलाव लाए जाएंगे। पहला होगा स्कूली शिक्षा, दूसरा है किस भाषा में पढ़ाई होगी लैंग्वेज, तीसरा है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, चौथा टेक्नोलॉजी एजुकेशन, पाँचवा फाइनेंस और लास्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें भी हमारा मेन फोकस रहेगा इन तीन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही तीन अफेक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में। तो स्कूल का अभी तक का जो पैटर्न होता था वो था 10+2, यानी कि 10 साल कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सभी स्टूडेंट्स कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे, और आखिरी के 2 साल उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने होते थे जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब इस पैटर्न को डिवाइड करके कर दिया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप इस ग्राफिक की मदद से समझिए पहले क्या होता था कि 10 साल कॉमन पढ़ाई, फिर 2 साल की स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई, तो ये कहलाता था 10+2 सिस्टम। आई एम श्योर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त वो या तो 10+2 में होंगे या फिर 10+2 के माध्यम से ही आगे पास हुए होंगे। अब पैटर्न किस प्रकार से होगा, 5 साल का फाउंडेशनल स्कूल, 3 साल का प्रिपरेटरी स्कूल, 3 साल का मिडिल स्कूल और 4 साल का सेकेंडरी स्कूल। अब इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअली हर स्टेज पर कितने साल की क्या पढ़ाई होगी। तो देखिए फाउंडेशनल स्टेज में होंगे 5 साल, इनमें से 3 साल तो होंगे प्री प्राइमरी के और 2 साल होंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 के। अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में ये 3 साल वाली पढ़ाई नहीं होती थी, गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन क्लास 1 से होता था। हालांकि अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तो आपने जरूर किंडरगार्टन या नर्सरी जैसी कक्षाओं में पढ़ाई करी होगी, तो वो वाले जो 3 साल हैं अब स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐड किए जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मलाइज हो गया है कि 3 साल का प्री प्राइमरी और फिर 2 साल का कक्षा 1 और कक्षा 2, ये कहलाएगा फाउंडेशन स्टेज। सेकेंड स्टेज विल बी प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 साल की पढ़ाई है कक्षा 3 से कक्षा 5। तीसरा स्टेज होगा मिडिल स्टेज या मिडिल स्कूल, इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, यानी कि ये एक तरह से माध्यमिक शिक्षा होगी। तो उत्तर भारत के स्टूडेंट्स हैं वो माध्यमिक स्कूल के नाम से इस स्टेज को जानते होंगे। चौथा है सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टेज में 4 साल की पढ़ाई है क्लास 9 से क्लास 12 तक की। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जहाँ पहले स्टूडेंट्स को कक्षा 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते थे यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद, अब सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं 9th क्लास से। तो 9 से 12 आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो मैंडेटरी स्कूलिंग ईयर्स होते थे जो राइट टू एजुकेशन के तहत भी पहले 6 से 14 साल के थे, अब एक तरह से उन्हें 3 से 18 साल का कर दिया है। ध्यान रखिए अभी तक संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में अमेंडमेंट लाया जा सकता है। अभी तक कोई और इसका जो है आंगनबाड़ी में जो है उसको क्या बाल मेला इसमें 6 मेला 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी में और हो जाएंगे, आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ पर पढ़ाया भी जाए और खेल कूद है वही बताएँ, वहाँ पर खेल कूद ज़्यादा होता है, वहाँ हिंदी भी देखा जाता है, वहाँ खाने के लिए साधन भी है। किसी भी व्यक्ति का प्रथम पाठशाला आप बताएं कि प्रथम पाठशाला को होता है परिवार आप तो डायरेक्ट बच्चे के किस के नहीं लाते बच्चों को यहाँ पर पहुँचे बच्चा ज़्यादा देर करके वहाँ जो ज्ञान गेन नॉलेज करता है ज्ञान लेता है वह सबसे बड़ी परिवार बच्चों का प्रथम पाठशाला परिवार। यदि कर्मी आप बच्चे को बहुत बढ़िया संस्कार देते हैं तो वही संस्कार स्कूल में भी परिवार से क्या मिलता है कि संस्कार मिलता है वो कुछ वहाँ पर नहीं बताया जाए कोई बढ़िया बढ़िया स्टेट पर नहीं बताया जाए ये तो वही है कि इसको बैठने के लिए उड़ने के लिए साफ सुथरा और उस अलग अपना जो पर्यावरण जो उसको वातावरण में उसको रखते हैं। अब बताता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि शिक्षा जो है वह श्रेणी दूध के समान, शिक्षा जो है दूध के समान, श्रेणी का जो पीता है वही गरजता है।
हमें ये ज़्यादा पावर एजुकेशन का ज़्यादा इफेक्ट भी है कि हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा हम सामना किए, देश का संविधान बनाने के लिए बहुत सारा हमको मेहनत करना पड़ा, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, ये सब सारा मिल के आपका एक देश मसौदा जो तैयार करते हैं, जिस तरह आपका मसौदा ऑलरेडी यहाँ पर है उसी तरह मसौदा तैयार वहाँ पर हुआ था, जो आपका जो मसौदा तैयार करने वाला है आपका कस्तूरी रंजन, बहुत ज़्यादा यहाँ भूमिका निकाली। सोचिए कि हमारे देश में यदि शिक्षा का व्यक्ति मेरा यदि वही का मान जाएगा तो देश आगे बढ़ रही है। आने वाला समय में एक दो साल के इसमें जो आपका यह तुरंत होगा इसका जनगणना होगा, जनगणना में देखेंगे कि इंडिया सबसे फर्स्ट स्थान में हो गया है पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फर्स्ट। 31 मिनट तो उसके अनुसार इसको किया गया तो क्या है कि इसका मसौदा तैयार करने में बहुत सारा रेगुलेशन इसमें सिस्टम बना गया, सिस्टम कुछ इसमें मेरिट भी होगा कुछ डिमेरिट भी होगा, कोई कहेंगे कि सारा फॉलोवर होता है बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, हमें अमेंडमेंट करने देखिए एडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बताया है कि जो गवर्नमेंट है एम इज द मेक द स्कूलिंग अवेलेबल टू एवरीवन टू द हेल्प ऑनली, इसमें क्या है ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है स्कूलिंग अवेलेबल इसलिए क्या है वी हैव ऑफ द न्यू एनईपी, यानी एनपी एनईपी के द्वारा हम लोग मदद करेंगे, मदद लेंगे और लेने के बाद हम लोग शिक्षा में सुधार इसको लाने के लिए क्या शिक्षा में सुधार लाना। अभी हम लोग नीचे ऐसे भी आप देखिए जाके अमेरिका चल जाइए, ब्रिटेन चल जाइए, वहाँ देखेंगे कि वहाँ का जो एजुकेशन है जो फाइव क्लास का बच्चा है वह बढ़िया बढ़िया जो इंस्ट्रूमेंट बना के और इंडिया में छोड़ देता है, अभी मैडिक चाइना बच्चा फाइव क्लास का है, बच्चा दस क्लास 10 साल का है और वह बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के और इंडिया में फिर देता कम दाम में और उतर लिख देता मैडिक चाइना, और हम लोग क्या लिखते हैं मैड इन इंडिया लिखेंगे वह बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट होगा जहाँ बहुत ज़्यादा उसका दाम। थैंक यू सर।